नमस्कार दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेस साउथ अफ्रीका के बीच जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा, तो क्या हमारी टीम रहने वाली है, पिच रिपोर्ट्स को भी देखेंगे और लास्ट मैचों की बात करें। तो दोस्तों दो मैच इन दोनों के बीच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट ओडीआई मैच तो रद्द हो गया था बारिश के कारण। सेकेंड ओडीआई मैच में वेस्ट इंडीज ने 300 प्लस का स्कोर करते हुए साउथ अफ्रीका को उसके होम ग्राउंड पर हरा दिया। कहीं ना कहीं ये बात जरूर ध्यान में रखनी है, लेकिन आज के मैच में आपको साउथ अफ्रीका के कुछ प्लेयर्स जैसे कि एडम मार्करम, डेविड मिलर जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो पिछला ओडीआई मैच नहीं खेले थे, वो आज आपको खेलते हुए दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं आज साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम हो सकती है। तो देखेंगे पिच रिपोर्ट्स को, प्लेइंग 11 को, रीसेंट फॉर्म को, स्टेटस को, कि कौन सी टीम के कितने प्लेयर्स लेने हैं, कौन ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स होगा, कौन होगा आज का यूनिक कैप्टन, वाइस कैप्टन, सारी बात दोस्तों वीडियो में करने वाले हैं। और वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैच खेला जाएगा तो पैर को कल 1:30 पर, यानी कि आज 1:30 पर। तो दोस्तों पिच रिपोर्ट्स की बात करें, सबसे पहले इस पिच पर 17 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइम बैटिंग करने वाले टीम ने 7 और सेकंड टाइम बैटिंग करने वाली टीम ने 10 मैच जीते, यानी कि कहीं ना कहीं चेजिंग करना यहां पर आसान है। वहीं पर दोस्तों एवरेज स्कोर्स की बात करें तो 250 से 260 के बीच इस पिच पर एवरेज स्कोर्स है, जो कि एक ठीक ठाक एवरेज स्कोर है, यानी कि ना तो ये मान सकते हैं कि ज्यादा कम स्कोर होता है, ना ये मान सकते कि ज्यादा हाई स्कोर होता है। वहीं पर हाई स्कोर इस पिच पर 418 जा चुका दोस्तों, और लो स्कोर की बात करें तो 45 रन रह चुका। वहीं पर स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 200 से नीचे इस पिच पर 4 बार स्कोर्स बन चुका है, 200 से 250 के बीच 3 बार, और 250 से 300 के बीच 6 बार, जो कि सबसे ज्यादा बार स्कोर्स बन चुका है, और 300 से ऊपर 4 बार स्कोर्स बन चुका है। यानी कि आज के मैच में कितना स्कोर्स होगा दोस्तों वो भी बात करेंगे। उससे पहले जो इस पिच पर रिसेंट मैच खेले जा चुके हैं उनकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का जो इस पिच पर लास्ट मैच 2020 में खेला गया था, उसमें ऑस्ट्रेलिया ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 254 रन बनाए और 7 विकेट गिरे, जबकि साउथ अफ्रीका ने आराम से इस मैच को 258 रन बनाकर 4 विकेट्स पर चेज कर लिया, यानी कि इस मैच में भी स्कोर 250 के आसपास हुआ जो कि चेज हो गया। एक और मैच दोस्तों साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो इस पिच पर खेला गया था, उसमें साउथ अफ्रीका ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 204 रन पर ऑल आउट हो गई, जबकि न्यूजीलैंड ने इस मैच को 207 रन बनाकर 2 विकेट होकर ही चेज कर लिया, यानी कि दोनों मैचों में चेज हुआ है और दोनों मैचों में स्कोर देखा जाए तो 250 के आसपास है, इस मैच में थोड़ा कम है। मैंने और भी बहुत से मैच देखे हैं जिनमें इस पिच पर जो स्कोर्स बनता है वो 250 से 270 के बीच ही ज्यादा बार स्कोर बनता है, यानी कि आप देख रहे हैं कि 250 से 300 के बीच ही ज्यादा बार 17 मैच जो खेले गए उनमें स्कोर्स बनाए, और 300 से ऊपर भी 4 बार स्कोर्स बना। जिस तरह का फिलहाल ये टूर्नामेंट चला, क्योंकि पिछले मैच में भी वेस्ट इंडीज ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 300 प्लस का स्कोर्स कर दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि कहीं ना कहीं इस टूर्नामेंट में हाई स्कोर्स मैच हो रहे हैं, तो आज के मैच में भी जो मेरे हिसाब से स्कोर्स होना चाहिए वो होना चाहिए 300 के आसपास। जब वेस्ट इंडीज होम ग्राउंड पर आकर साउथ अफ्रीका के, तब 300 प्लस का स्कोर कर सकती है। तो चलो पिछला मैच तो साउथ अफ्रीका ने लॉस कर दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आज साउथ अफ्रीका इस मैच को विन भी करना चाहेगा, और दोनों टीमों की तरफ से आप अच्छा खासा स्कोर आज भी देख सकते हो। तो आज जो आप अपनी टीम बनाने वाले हैं, यानी कि आज जो मैं अपनी टीम बनाऊंगा वो 300 के आसपास स्कोर मानकर टीम बनाऊंगा, 300 से 10 रन कम भी रह सकता और 300 से 10 रन ऊपर भी जा सकता। तो दोस्तों आगे हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की बात कर लेते हैं कि इस पिच पर हेड टू हेड रिकॉर्ड्स क्या दोनों टीमों के। तो दोस्तों अब तक इन दोनों के बीच 63 मैच खेले जा चुके हैं, काफी मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें से साउथ अफ्रीका ने 44 मैच जीते हैं और वेस्ट इंडीज ने 16 मैच जीते हैं, 3 मैच ड्रॉ रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका की बात करें तो साउथ अफ्रीका स्ट्रॉन्ग टीम है, वेस्ट इंडीज थोड़ी ही वीक टीम है, लेकिन परफॉर्मेंस जो देखा जाए तो वेस्ट इंडीज ने लास्ट ओडीआई मैच जो कि परसों खेला गया था इस टूर्नामेंट में, उसमें इन्होंने साउथ अफ्रीका को हरा दिया। तो अब साउथ अफ्रीका कहीं ना कहीं इस मैच को विन करने की कोशिश करेगा, और प्लेइंग 11 में भी कुछ प्लेयर्स और आए हैं, जैसे कि पिछले मैच में इनके कुछ खिलाड़ी, सीनियर खिलाड़ी बोल सकते हो, डेविड मिलर नहीं थे और मार्करम नहीं थे, ओनरिक नोकिया नहीं खेल रहे थे, यानी कि कहीं ना कहीं वीक टीम तो थी लेकिन इतनी वीक टीम नहीं थी कि इनको वेस्ट इंडीज हरा दे, और वो भी इनके होम ग्राउंड पर। लेकिन फिलहाल कुछ और प्लेयर्स आए हैं, प्लेइंग 11 देखते हैं कि कैसे है। तो आज के जो टीम का स्ट्रक्चर होने वाला है मेरा, मैं 7 प्लेयर्स आज
साउथ अफ्रीका की तरफ से लेकर चलूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से आज का मैच साउथ अफ्रीका इजिली विन करने वाला है। वहीं पर मैं चार प्लेयर्स लेकर चलूंगा वेस्ट इंडीज के। समो लीग की टीम की बात की जाए तो ग्रैंड लीग में आप छह प्लेयर्स और पांच प्लेयर्स का भी कॉम्बिनेशन अपनी टीम में कर सकते हो। अब आगे चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 की बात कर लेते हैं कि साउथ अफ्रीका की क्या प्लेइंग 11 होने वाली है। तो यहां से सबसे पहले क्विंटन डी कॉक ओपनिंग कर रहे हैं, विकेट कीपर है, तेम्बा बुमरा टीम के कैप्टन है, ओपनिंग कर रहे हैं। एडम मार्करम जो कि पिछले मैच में नहीं थे, तो इस मैच में आपको वन डाउन बैटिंग करते हुए दिखाई देंगे, या फिर हो सकता है एडम मार्करम ओपनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन चांसेस कम है, तो एडम मार्करम वन डाउन बैटिंग करेंगे। राशिब एंडर डसन है दोस्तों चार नंबर पर। डेविड मिलर इस मैच में आपको खेलते हुए दिखाई देंगे, जो पिछले मैच में नहीं खेले थे। ट्रिस्टन स्टब्स, मैक्रो जानसेन, बिजोन फोर्टीन, कोटेजी, लुंगी नगीडी, तबरेज सामसी, ये इनकी दोस्तों प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इनमें से कौन कितने ओवर बॉलिंग कर रहा वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों कोटेजी तकरीबन 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, लुंगी नगीडी भी 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, तबरेज सामसी पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेंगे। वहीं पर बिजोन फोर्टीन और यहां पर आ गए एडम मार्करम, ये तीन और ऑप्शन है जो बॉलिंग के। तो इनमें से मेरे हिसाब से सात ओवर के आसपास मार्करम बॉलिंग करेंगे, और सात से आठ ओवर हो सकता है, या सात छह ओवर सात ओवर वो करेंगे बिजोन फोर्टीन, बाकी चार से लेकर छह ओवर के आसपास एडम मार्करम बॉलिंग करने वाले हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इनमें से किस प्लेयर्स को हम अपनी टीम में लेकर चलने वाले हैं और कौन पिछले मैच में कैसा परफॉर्मेंस करके आ रहा। तो दोस्तों यहां से बात करते हैं सबसे पहले क्विंटन डी कॉक की। लास्ट मैच में 48 रन बनाए, विकेट्स की प्रोप्शन में है, विकेट कीपिंग से पॉइंट्स मिलेंगे, तो अच्छे खासे प्लेयर्स है, हमेशा ही अच्छा खासा स्कोर करते हैं। तो मैं यहां से क्विंटन डी कॉक को भी अपनी टीम में लूंगा। तेम्बा बुमरा दोस्तों जैसा कि इनको कुछ लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, क्योंकि यानी कि उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं है, और मैं बार बार बोल रहा था कि ये प्लेयर्स अच्छे हैं, कोई बात नहीं, कुछ मैच में होता है कि रिसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन ओडीआई के जबरदस्त प्लेयर्स है। टी20 में तो चलो फिर भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, लेकिन ओडीआई के जबरदस्त प्लेयर्स है। आप लोग देख रहे हैं कि लास्ट मैच में 144 रन बना गए, और बहुत कम बार ऐसा होता है कि इनके विकेट जाते हैं ओडीआई में, मोस्टली टाइम 50 के आसपास ये स्कोर करते ही करते हैं। रिसेंट फॉर्म भी फिलहाल ठीक है, अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले, इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। एडम मार्करम दोस्तों चार से पांच ओवर बॉलिंग करेंगे, प्लस अच्छे बैट्समैन है, अच्छे ऑलराउंडर है, तीन नंबर बैटिंग ऑर्डर है, तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। आर वेंडर डसन दोस्तों लास्ट मैच में 27 रन बना कराए, कम सेलेक्शन है इनका, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर्स हैं, और ये ओडीआई के एक अच्छे खासे प्लेयर्स हैं। इनका ओडीआई में बात करें तो 70 का एवरेज है, जो कि बहुत ज्यादा होता है, तो राशि वेंडर डसन भी अच्छे खासे पिक होने वाले हैं। डेविड मिलर की बात करें तो दोस्तों प्लेयर्स अच्छे हैं, लेकिन जब हम यहां से चार प्लेयर्स को लेकर चल रहे हैं, चार प्लेयर्स को लेकर चले, तो कहीं ना कहीं या तो हमें आर वेंडर डसन को ड्रॉप करना होगा या मिलर को, इन दोनों में से ही हम किसी एक प्लेयर्स को लेकर चल सकते हैं। आप या तो मिलर को ले लेना या आर वेंडर डसन को, फिलहाल मैं आर वेंडर डसन को ले रहा हूं। मिलर अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो कहीं ना कहीं इनको ट्राई कर लेना, सेकेंड बैटिंग में तो हो सकता है इस मैच में बैटिंग आने के कम चांसेस हो, लेकिन फिर भी इन दोनों में से मैं एक को लेकर चलूंगा। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो चाहो तो आप पूरे पांचों के पांच जो टॉप प्लेयर्स उनके साथ जा सकते हो। ट्रिस्टन स्टब दोस्तों रिसेंट फॉर्म खराब है और उतना अनुभव नहीं है, इसलिए मैं ट्रिस्टन स्टब को ड्रॉप करूंगा। माइक्रो जानसेन दोस्तों लास्ट मैच में 17 रन और एक विकेट, लाइनअप में नहीं थे, यानी कि मैच तो खेले थे, कई बार क्या होता है कि ड्रीम इलेवन पर लाइनअप में नहीं दिखाया जाता, तो लाइनअप नहीं थे, तो 17 रन बनाए और एक विकेट मिली, ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं दोस्तों। जीएल में इनको जरूर ट्राई कर लेना, एसएल में इनको मैं ड्रॉप करके चल रहा हूं, जीएल में ये ट्रम्प कार्ड प्लेयर्स हो सकते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों बिजोन 14 स्पिनर्स हैं, लास्ट मैच में इन्होंने दो विकेट्स मिली थी, अच्छे खासे प्लेयर्स होंगे, इस मैच में आप इनको जरूर ट्राई करिएगा, अच्छे खासे। कोटेजी को दोस्तों मैं कंफर्म लेकर चलूंगा, लास्ट मैच में तीन विकेट्स निकाल कर आ रहे हैं, पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेंगे। पेसर है, पेसर्स को हेल्प भी है, तो ये भी अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं। लुंगी नगीडी दोस्तों जो लास्ट मैच में विकेट्स लेस गए थे, मेरे हिसाब से लुंगी नगीडी को लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला था, विकेट लेस गए थे पूरे 10 ओवर करते हुए, लेकिन प्लेयर्स आपको पता कैसे हैं, तो पूरे 10 ओवर ये करेंगे ही करेंगे, प्लस किसी भी मैच में तीन से पांच विकेट निकाल सकते हैं, तो ये यूनिक वीसी के ऑप्शन जरूर रहेंगे, टीम में इनको कन्फर्म लेकर चलना है। फिर दोस्तों तबरेज शमसी ने भी लास्ट मैच में पूरे 10 ओवर बॉलिंग की और दो विकेट निकाले, तो तबरेज शमसी भी एक अच्छे खासे पिक होने वाले। तो अब इनमें से मैं किस किस प्लेयर्स को लेने वाला हूं दोस्तों, इधर से टॉप फोर फाइव में से मैं किसी चार को लूंगा, यानी कि तकरीबन चांसेस ये है, अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो आर वेंडर की जगह पर मैं डेविड मिलर को लूंगा, तो एसएल में मैं इन दोनों को ड्रॉप करूंगा,
और फिर स्पिनर्स में से मैं किसी एक को लेकर चलूंगा, या तो तबरेज शामसी को या फिर जॉन फोर्टिन को। अगर सेकंड टाइम बॉलिंग करते हैं तो हो सकता है दोनों स्पिनर्स को ले लूं, नहीं तो मैं एक ही स्पिनर्स के साथ जाऊंगा, कोटेजी और लुंगी नेगेटिव को मैं कन्फर्म लूंगा। तो यहां से ये छह या सात प्लेयर्स मैं अपनी टीम में लेकर चल सकता हूं। अब बात करते हैं दोस्तों वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की, कि वेस्ट इंडीज की तरफ से हम किस प्लेयर्स को लेकर चलने वाले हैं और क्या वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 है। तो वेस्ट इंडीज की प्लेइंग 11 की बात करें तो दोस्तों यहां से ब्रेंडन किंग ओपनिंग कर रहे हैं काइल मार्श के साथ, शिमारू ब्रुक्स साइन होप टीम के कैप्टन है, निकोलस पुरन विकेट कीपर कैप्टन है, विकेट कीपर ऑप्शन में है, रोमन पावल, जेनसन होल्डर, अकीला हुसैन, ओडियन समिथ, अल्जारी जोसेफ और यामिक, ये इनकी प्लेइंग 11 है। अभी इनमें से कौन कितने ओवर बॉलिंग कर रहा उसकी बात करें तो दोस्तों सबसे पहले काइल मार्श लास्ट मैच में 6 ओवर बॉलिंग की थी, इस मैच में भी आपको 5 से 6 ओवर बॉलिंग करते हुए दिखाई देंगे। फिर बात करते हैं बॉलर्स की, होल्डर 10 ओवर के आसपास बॉलिंग करेंगे, अकीला हुसैन पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, ओडियन समिथ 6 से 7 ओवर के बीच बॉलिंग करेंगे, वहीं पर अल्जारी जोसेफ भी पूरे 10 ओवर बॉलिंग करेंगे और यामिक 6 से 8 ओवर के आसपास बॉलिंग कर सकते हैं। ये इनका कुछ बॉलिंग का ऑप्शन हो सकता है, किसी मैच में ये 5 ओवर कर जाए, यामिक के 5 ओवर या 4 ओवर कर सकते हैं, ये इनका बॉलिंग ऑप्शन है। वैसे बॉलिंग तो इनमें निकोलस पुरन और रोमन पावल भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बॉलिंग नहीं करेंगे। तो अब बात करते हैं इनमें से कौन से जीएल में 5 और एसएल में 4 प्लेयर्स हम अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं। रिसेंट फॉर्म को भी देख रहे थे दोस्तों, तो सबसे पहले यहां से बात करते हैं ब्रेंडन किंग, बैट्समैन ऑप्शन में है, थोड़े है, लास्ट मैच में ठीक ठाक इन्होंने 30 रन बनाए, उतनी अच्छी तो इनिंग्स नहीं खेली, तो यहां से मैं ब्रेंडन किंग को नहीं लूंगा, क्योंकि यहां से मैं काइल मार्श को लूंगा। काइल मार्श को लेने का एक और कारण दोस्तों, प्लेयर्स अच्छे, लास्ट मैच में इन्होंने 36 रन भी बनाई, एक विकेट भी लिया, इस मैच में भी प्लस टॉप ऑर्डर्स में यानी कि ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं और 6 ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, तो काइल मार्श इन दोनों में से एक को लेकर चलना है। काइल मार्श अच्छे खासे ऑप्शन होने वाले हैं। शिमारू ब्रुक्स लास्ट मैच में 0 पर आउट हो गए, तो मैं इनको भी टीम में ड्रॉप करके चलूंगा, उतने अच्छे प्लेयर्स फिलहाल नहीं है, प्लेयर तो ठीक है लेकिन रिसेंट फॉर्म भी खराब है और थोड़ा ज्यादा बैट्समैन भी हम यहां से नहीं लेकर चल सकते। साइन ऑफ दोस्तों लास्ट मैच में 128 रन, जबरदस्त प्लेयर्स है, रिसेंट फॉर्म साथ में है, तो इनको भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा। तो फिर दोस्तों निकोलस पुरन और रोमन पावर, इन दोनों में से अगर आप 5 प्लेयर्स यहां से लेकर चल रहे हो, 5 प्लेयर्स यहां से लेकर चले हो, तो इनमें से किसी एक को ले सकते हो, नहीं तो दोनों को भी आप ड्रॉप करना चाहो तो दोनों को ड्रॉप कर सकते हो, एक को तो इनमें से लेना चाहो तो अगर 5 प्लेयर्स ले रहे हो, अगर 4 ही प्लेयर्स ले रहे हैं तो यहां से हम काइल मार्श और साइन होप को तो ले रहे हैं, तो दो बॉलर्स भी ले रहे हैं, तो यहां से निकोलस पुरन और रोमन पावल, अगर 5 प्लेयर्स ले रहे हैं तो इनमें से किसी एक को लेकर चल सकते हो, मेरे हिसाब से पूर्ण बेस्ट रहेंगे। हालांकि रोमन पावल ने भी लास्ट मैच में 46 रन बनाए और 39 रन बनाए हैं निकोलस पुरन ने, इनमें से किसी एक के साथ जाया जा सकता है। फिलहाल मेरे हिसाब से तो मैं लेना चाहूंगा निकोलस पुरन को, बाकी रोमन पावल भी अच्छे खासे ऑप्शन है। जेनसन होल्डर दोस्तों लास्ट मैच में कोई विकेट नहीं मिला इनको और 15 रन भी बनाए, बैटिंग बॉलिंग दोनों आएंगे इस मैच में भी, तो फिलहाल उतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है, 50% लोग इनको लेकर चल रहे, कंफ्यूजन इनको टीम में ले या ना ले, रिसेंट फॉर्म को देखते हुए तो मैं इनको यहां से ड्रॉप करूंगा, आप चाहो तो लेना ले लेना, बाकी मैं इनको ड्रॉप करने वाला हूं। अकीला हुसैन दोस्तों लास्ट मैच में 3 विकेट निकाल कर जा रहे हैं, अच्छे प्लेयर्स हैं, मोस्टली टाइम 10 ओवर बॉलिंग करेंगे, प्लस बैटिंग आती है वहां से पॉइंट देंगे, इसलिए मैं इनको भी अपनी टीम में लेकर चलने वाला हूं। फिर दोस्तों बचे हैं 3 बॉलर्स हमारे पास, इन 3 में से कौन से प्लेयर्स लिए जा सकते हैं। अल्जारी जोसेफ को तो दोस्तों कन्फर्म टीम में लेना ही है, पूरे 10 ओवर बॉलिंग ये भी करेंगे और प्लस विकेट टेकिंग बॉलर्स है, लास्ट मैच में भी 3 विकेट लिए, इसलिए मैं अल्जारी जोसेफ को तो कन्फर्म टीम में लूंगा। ओडियन समिथ और यामिक में से किसी एक को लेना चाहो तो यामिक तो उतने अच्छे प्लेयर्स नहीं रहेंगे, ओडियन समिथ आपको पता है विकेट टेकिंग बॉलर्स भी हैं और प्लस बैटिंग से भी बैकअप दे सकते हैं कभी भी, तो अगर आप 5 प्लेयर्स हैं यानी कि देखो यहां से काइल मार्श को कंफर्म टीम में लेना है, काइल मार्श को तो टीम में लेना ही लेना, साइन ऑफ को तो टीम में लेना ही लेना है, अकीला हुसैन को तो टीम में लेना ही लेना, अल्जारी जोसेफ को तो टीम में लेना ही लेना, इन 4 को तो यहां से लेकर चलना ही चलना है। अगर बाकी 2 ऑप्शन कौन से हैं, या तो फिर ले सकते हैं निकोलस पुरन और रोमन पावल में से किसी एक को, या फिर हमारे पास एक ऑप्शन बचता है ओडियन स्मिथ को, यानी कि इन 2 और एक 3, इन 3 में से हम अगर 5 प्लेयर्स के साथ जा रहे हैं तो इन 3 में से एक को अपनी टीम में लेकर चल सकते हैं।
एसएल में मैं चार लूंगा तो इनको लेकर चलने वाला हूं। अब बात करता हूं दोस्तों क्या मेरी टीम बनकर तैयार हुई है। तो दोस्तों ये मेरी फाइनल टीम बनकर तैयार हुई है। एसएल की टीम की बात करें, जीएल की टीम की बात करें तो मैंने दोनों विकेट कीपर लिए हुए हैं, क्विंटन डीकॉक को और शाइन ओक को। दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही लास्ट मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस भी कर रहे हैं, दोनों विकेट कीपर ऑप्शन में भी है। फिर बात करते हैं दोस्तों मैंने तेंबा बोमा को लिया हुआ जो लास्ट मैच में 144 रन बनाकर आ रहे हैं, और इस मैच में मैंने आरवेंडर डसन को लिया हुआ जिनका लास्ट मैच में उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था। फिर भी एक प्लेयर तो आपको ऐसा लेकर चलना है जो रिसेंट फॉर्म से बाहर हो और प्लेयर अच्छा हो, जबकि आरवेंडर डसन कभी भी बड़ी इनिंग्स खेल सके। एडम आर्कम को मैं कंफर्म टीम में लेकर चलूंगा, तकरीबन 5 या 6 ओवर बॉलिंग करेंगे और बैटिंग ऑर्डर भी 1 डाउन है, अच्छे प्लेयर्स है। कायल मार्श को भी मैं अपनी टीम में लेकर चलूंगा, 6 ओवर बॉलिंग प्लस ओपनिंग बैटिंग अच्छे खासे पिक करेंगे। फिर दोस्तों मैंने 5 बॉलर्स लिए, अकीला हुसैन, तबरेज शमसी, कोटेजी और लुंगी नगीडी और अलजारी जोसफ, ये 5 बॉलर्स मैंने अपनी टीम में लिए। अगर आप एक स्पिनर्स को यानी कि थोड़ा जेल में रिस्क लेना चाहते हो तो यहां पर तबरेज शमसी की जगह पर जो ऑलराउंडर में बिजोन पोर्टिन है जीएल में उसको ले सकते हो, यानी कि यहां से आप एक बॉलर्स को एक अगर आप रिस्क लेना चाहो तो थोड़ा है जीएल में आरवेंडर डसन और डी को इनमें से एक को ड्रॉप करके यहां पर विकेट कीपर में पूरन को ले सकते हो। जीएल की बात करें तो पूरन को ले सकते हो डी को, क्योंकि बड़े प्लेयर्स की जगह पर ही बड़ा प्लेयर्स लिया जा सकता है। डी कॉक का हाई सिलेक्शन है जबकि पूरन का तो उतना नहीं है, तो यहां पर इसको लिया जा सकता है। या फिर आरवेंडर डसन की जगह पर आप एक बॉलर से अगर फर्स्ट बॉलिंग आती है तो ओडीएन समित को ले सकते हो, यानी कि जो एक एक्स्ट्रा 3 प्लेयर्स में से बात की थी ना कि रोमन पावल, निकोलस पूरन और ओडीएन समित, इनमें से एक को आप ट्राई कर सकते हो। इस टीम में दोस्तों मेरा कैप्टन है एडन मार्करम और वाइस कैप्टन मेरा तेंबा बोमा। मार्करम 5-6 ओवर बॉलिंग करेंगे प्लस 1 डाउन बैटिंग है, फॉर्म भी अच्छी है, और तेंबा बोमा लास्ट मैच में शतक लगा कर आने, तो मैंने इन्हीं दोनों को कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया। आप चाहो तो साइन ऑफ को भी वीसी बना सकते हो, कैप्टन तो मैं नहीं बनाऊंगा, वीसी बना सकते हो, वीसी आप चाहो तो बना सकते हो डी कॉक को, और बाकी हेटमार कायल मार्श को मैं नहीं मानकर चला कि ये वीसी के ऑप्शन है, क्योंकि कभी भी विकेट पे करिए चलते बनेंगे, इसलिए टीम में तो इनको ले सकते हैं क्योंकि बैटिंग बॉलिंग दोनों करें, वीसी के ऑप्शन है। दूसरा वीसी हो सकता है दोस्तों लुंगी नगीडी, ये इस मैच में खासतौर पर जीएल में जरूर इनको वीसी बना सकते हो, और अलजारी जोसफ को भी आप वीसी बना सकते हो अगर वेस्ट इंडीज फर्स्ट बॉलिंग करता है तो उस सिचुएशन में। ये मेरी टीम थी दोस्तों, अगर प्लेइंग 11 के हिसाब से, फर्स्ट सेकंड बैटिंग के हिसाब से या फाइनल पिच रिपोर्ट्स के हिसाब से कुछ चेंजेस होगा तो वो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। इसलिए दोस्तों टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और सबसे इंपॉर्टेंट अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना दोस्तों, 1 मिनट लगता है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ मिलकर एक यूनिक टीम यूनिक प्रेडिक्शन बनाओ। तो दोस्तों नमस्कार, आशा करता हूं आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई होगी।